दोस्तों आज का वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे आप अपने घर का जो एलईडी बल्ब है जो ख़राब हो जाता है उसको आप कैसे ओपन कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका आपको दिखाएंगे जिससे आप अपने जो घर का जो एलईडी बल्ब है उसको ओपन कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए, चलिए शुरू करें के वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो पुराना बल्ब है ऐसे पकड़े और ऐसे करके खोलने का कोशिश करें, देखिए आसान से खुल जाएगा। और किसी किसी लैंप खोल नहीं सकते आप, उस टाइम क्या करेंगे, ये जो स्क्रू ड्राइवर है ऐसे करके पकड़ना है आपको, नहीं तो हाथ में लग सकता है छूटने के बाद। ऐसे करके इसको ओपन करने का कोशिश करें, ये एक तरीका है। और ये अगर छूट जाएगा तो आपका एलईडी ख़राब हो सकता है, इसीलिए ध्यान से इसको खोलना है। और एक तरीका है, ये देखिए यहाँ पर एक होल बनाना है आपको अच्छी तरह से, उसको होल बनाने के साथ साथ इसको ऐसे करके आप ओपन कर सकते हैं, किसी भी एलईडी बल्ब को ओपन कर सकते हैं। अभी देखिए ये जो एलईडी बल्ब है इसका जो बोर्ड से सबसे पहले अलग करना है हीट सिंक से, उसके बाद इसको यहाँ पर सोल्डिंग से ओपन करना है, ये आसानी से खुल जाएगा। ये देखिए इसका 2-3 एलईडी ख़राब हो गया है। तो ये और एक तरीका दिखाएंगे जहाँ से आप अपना जो हीटसिंग है कैसे खोल सकते हैं। यहाँ पर एक होल बनाने के बाद नीचे से इसको प्रेशर देना है और ये आसानी से खुल जाएगा। ये देखिए इसका जो कंडेंसर है ऐसे ही है, कभी कभी इस कंडेंसर ख़राब होने से आपका एलईडी जो बोर्ड है ख़राब हो जाता है। तो पहले इसको देखने के बाद उसके बाद यहाँ पर किसी भी एलईडी बोर्ड नया एलईडी बोर्ड लगाना है आपको। देखिए इसको हीट सिंक के साथ लगा देंगे और यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे, अच्छी तरह से इसको लगाना है आपको, नहीं तो आपका जो एलईडी बोर्ड फिर से ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए अच्छी तरह से लगाने के बाद यहाँ पर वायर को सोल्डिंग कर देना है आपको। ये बहुत ही आसानी से आप किसी भी एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमारा एलईडी ग्लो होना शुरू हो गया, इसका मतलब ये सही हो गया है। और एक बार चेक कर लेंगे और ये देखिए ये जो ड्राइवर हमारा है ये सही है, इसको इसका जो टांगे हैं ये टूट गया है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके सोल्डिंग लगा लेंगे, सोल्डिंग करने के बाद यहाँ पर हम एलईडी बोर्ड के साथ सोल्डिंग करके टेस्ट करेंगे हमारा ड्राइवर सही है और कौन सा एलईडी ख़राब है इसको चेक करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर सीरीज लाइंस के काम करते हैं और लकड़ी के जो चेयर आते हैं उसके ऊपर बैठकर काम करते हैं, तो इसीलिए आप ऐसा करने का सोचिएगा मत। ये देखिए ये एलईडी ख़राब है, आप एलईडी टेस्टर के मदद से टेस्ट करिएगा एलईडी को, अच्छी तरह से देख लीजिए ये दोनों एलईडी दोनों साइड में ख़राब है, इसको हमको मार्क कर लेना है दोनों एलईडी को, उसके बाद इसको निकाल देंगे। पिछला वीडियो में आपको दिखाया था हमने कैसे इसको ओपन करते हैं, उसको जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। फटाफट से हम इसको निकाल लेते हैं और इसको एलईडी लगाने के बाद यहाँ पर टेस्ट करेंगे फिर से। ये देखिए एलईडी हमने लगा दिया है और अभी टेस्ट करेंगे, ये देखिए एकदम हमारा बल्ब जो है रेडी हो गया है। दोस्तों एलईडी बल्ब कैसे यहाँ से निकालना है इसका वीडियो हमने पहले बनाया था, इसको देख सकते हैं आप जाके। दोस्तों ये जो होल हमने बनाया है साइड से आपका हीट सिंक खोलने के लिए, तो इस होल को आप सेलो टेप के मदद से यहाँ पर लॉक कर दीजिएगा, नहीं तो पानी अंदर चला जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपका वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो लोग नए हैं फटाफट से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पास में रहने वाला जो बेल का घंटी है ना उसको ऑल में दबा के रखिए, जब भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।